हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलाइडोस्कोप। आज हम कैलाइडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन एंड इसके पीछे के फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। कैलाइडोस्कोप आप पहली बार 8th क्लास में देखे होंगे, ये एनसीईआरटी की सिलेबस में है। आपका वहाँ एक्टिविटी भी था कि कैलाइडोस्कोप कैसे बनाते हैं। कैलाइडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन पार्ट आप 8th क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। बेसिकली कैलाइडोस्कोप जो होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स है। तीन मिरर्स भी हो सकते हैं, चार मिरर भी हो सकता है, दो मिरर भी हो सकता है, दो मिरर से भी कैलाइडोस्कोप बनाया जा सकता है। लेकिन कैलाइडोस्कोप का जैसे नाम दिया गया है, किसको कैलाइडोस्कोप बोलते क्यों है, उसकी पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट को किसने बनाया था, तो बहुत प्यारा नाम है, डेविड ब्रिस्टर ने इसको 1814 में बनाया था। तो ये कैलाइडोस्कोप नाम कैसे दिया उन्होंने, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। कैलाइडोस्कोप बेसिकली ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड इस तरीके से हैं, कैलोज, ईडोज एंड स्कोप। ये तीन ग्रीक वर्ड्स को मिला के कैलाइडोस्कोप हम कहा करते हैं। तो इन तीन ग्रीक वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, थोड़ा देखें। कैलोस का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ईडोस का मतलब होता है अफॉर्म, एंड स्कोप का मतलब होता है टू सी। अगर ये तीनों वर्ड्स को कंबाइंड कर दिया जाए तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इन तीनों वर्ड के जगह पे इस तरीके से लिख सकते हैं, एन ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्यूटीफुल फॉर्मेशन। तो ये एक्चुअली बताता क्या है, बेसिकली कैलाइडोस्कोप कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री या फिर चार, मैक्सिमम चार मिरर्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसके इन मिरर्स के बीच यदि कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण बहुत सारे इमेज हमें नज़र आते हैं, और ये इमेज ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि मान लीजिए कि इनको किसी सर्कल में रखा गया हो, और ऐसे सर्कल्स के सेंटर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि कैलाइडोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस देते हैं। इससे जो इमेज का निर्माण होता है वो एक ब्यूटीफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट को जो इन्वेंट किया था 1814 में, और उनका नाम है डेविड ब्रिस्टर। तो चलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट हम देखेंगे सबसे पहले कैलाइडोस्कोप के बारे में, और धीरे धीरे इसके पीछे की फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिजिक्स बहुत प्यारा है, हमने इसके पीछे की फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ ली है, लेकिन आज उसी फिजिक्स का एप्लीकेशन पार्ट हम देखने वाले हैं। हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर देखे थे, हमने ये देखा था कि दो मिरर को अगर एक एंगल पे रखा जाए तो किस तरीके से इमेज का निर्माण करते हैं, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। बेसिकली उसी का ये एप्लीकेशन पार्ट है। तो सबसे पहले हम कैलाइडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, देन उसके पीछे की फिजिक्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि जो कैलाइडोस्कोप होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, मतलब इसमें दो मिरर होंगे, तीन मिरर होंगे, या चार मिरर भी हो सकते हैं। इन जनरल जो आपको एक्टिविटी में भी कराया गया था 8th क्लास में, उसमें तीन मिरर लिया गया था, और ये तीन मिरर आपस में 60 डिग्री पे रहते हैं और एक ट्रायंगुलर फॉर्म का निर्माण करते हैं। तो पहले हम उसी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, देन और भी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेंगे।
तो मान लीजिए आपके पास तीन मिरर हैं, तीनों मिरर की जो विड्थ है वो सेम है, आप उसको इस तरीके से अरेंज किए हैं कि वो एक ट्रायंगल का निर्माण करती हैं, और ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। ये तीन मिरर हैं और इस तीन मिरर को हम थोड़ा सा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। ऐसा, और यहां से भी हम लाइक दिस, और इस तरीके से। ये तीन मिरर हैं, ये मिरर नंबर वन, मिरर नंबर टू, मिरर नंबर थ्री, आप ऐसा मान के चलें। इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तीनों एक दूसरे को फेसिंग किए हुए हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आप इसको ऐसा लें कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये तीनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये बेसिकली एक ट्यूब में इनक्लोज्ड होते हैं। तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक ट्यूब बना रहा हूँ, उस ट्यूब में ये इनक्लोज्ड होता है। ये तीनों के तीनों जो आपस में एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं, ये एक ट्यूब में इनक्लोज्ड होता है। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है ऐसा, और उस ट्यूब में ये इनक्लोज्ड है। यहाँ पे होता क्या है कि हम ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इससे टच्ड है, ये जो मिरर है उससे टच्ड है, और ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ये वाला जो एंड है इसको हम ग्राउंड ग्लास कहते हैं। बेसिकली ये भी ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से भी लाइट आ सकती हैं, तो ये ग्राउंड ग्लास का बना होता है। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये ट्यूब बेसिकली कार्डबोर्ड का बना होता है, ये कार्डबोर्ड ट्यूब है। समटाइम्स ट्यूब की ज़रूरत नहीं भी होती, हम ट्यूब ना भी दें तो काम चलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक स्मॉल होल होता है यहाँ पे, और ये बाकी चीज़ें यहाँ से लाइट एंटर नहीं कर सकती या चीज़ों को हम नहीं दे सकते, तो ये सिर्फ यहाँ से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं, छोटा सा होल बना हुआ है। तो ये फॉर ऑब्जर्वेशन, हम ऐसा मान सकते हैं कि ये होल जो है फॉर ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि जो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस बनाता है, तो फॉर्मेशंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट तो चाहिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलरफुल ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। तो ये कलरफुल ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जो चूड़ियाँ होती हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये जो चूड़ियाँ होती हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं या तो स्मॉल पेबल्स होते हैं या स्मॉल बैंगल्स होते हैं, लाइक दिस। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों के, चूड़ियों के टुकड़े होते हैं या फिर बैंगल्स होते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है। हम यहाँ से आई लगाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारे इमेजेस दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरीके से कैलाइडोस्कोप का ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हुआ। फ्रेंड्स, अभी इस सिंपल कंस्ट्रक्शन जो हमने 8th क्लास में सीखा था, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है कि ये जो मिरर्स के जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके बीच की डिग्रियां हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डिग्री लेके कोई भी एंगल्स में इनको अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आपको ब्यूटीफुल फॉर्मेशन नज़र आएगा, ऐसा नहीं है। ब्यूटीफुल फॉर्मेशन कहने का मतलब ये है कि सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक से मेरा क्या मतलब है, थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, तब जाके आप समझ पाएंगे कि मैं जब बोल रहा हूँ कि इसकी कुछ लिमिटेड टाइप्स होते हैं।
अगर मैं कुछ लिमिटेड टाइप्स की बात करूं तो चलिए पहले मैं टाइप्स ही लिख देता हूं, सो दैट कि हम उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ले सकें प्रॉपरली कि ये लिमिटेड टाइप इतना ही क्यों है, इनके इतने ही लिमिटेड टाइप्स क्यों हैं, कुछ और एंगल क्यों नहीं हो सकते। उस क्वेश्चन का आंसर आपको बड़े आसानी से मिल सकता है। तो पहला टाइप तो हमने देख ही चुका है कि ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं। तो चलिए और भी टाइप क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं ब्लैक बोर्ड में, देन उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हाँ इतना ही टाइप क्यों, इसके कोई दूसरे टाइप क्यों नहीं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ एक्चुअली इसको पॉली सेंट्रल क्लाइडोस्कोप कहा करते हैं। तो इसका जो पहला टाइप है हम ऐसा लिख सकते हैं फोर मिरर्स, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स। मिरर्स बेसिकली रिफ्लेक्टर ही हैं, रिफ्लेक्टर्स। और ये जो फोर मिरर्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि जितने भी मिरर यूज किए जा रहे हैं उनके विड्थ सेम है। अगर विड्थ सेम है तो फोर मिरर्स व्हिच आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर, मतलब जो भी मिरर्स हम यूज कर रहे हैं वो चारों के चारों मिरर की विड्थ सेम है। अगर विड्थ सेम है इसका मतलब यह है कि वो एक स्क्वायर फॉर्म का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे भी मिरर्स हम इस क्लाइडोस्कोप में ले सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस इस क्लाइडोस्कोप में हम ले सकते हैं। इसका जो दूसरा कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके से हम मान सकते हैं जो दूसरा टाइप है उसमें भी रहेंगे फोर मिरर्स लेकिन, या रिफ्लेक्टर्स, इस बार वो स्क्वायर फॉर्म नहीं करेंगे। तो स्क्वायर फॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे पास सीधा सा है कि वो रेक्टेंगुलर भी फॉर्म हो सकते हैं, व्हिच आर फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। मतलब चार मिरर लीजिए, चार मिरर को आप एक रेक्टेंगल बना दीजिए, उसका जो शेप होना चाहिए एक होलो रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। तो ये उस तरीके से जो मिरर के कॉम्बिनेशंस होंगे हम उसको भी पॉली सेंट्रल क्लाइडोस्कोप कहा करेंगे। अब उसके बाद होता है चार मिरर के बाद, अब ये जो है या तो स्क्वायर बनाइए या रेक्टेंगल बनाइए, उसके बाद जो बचा ट्रायंगल, और ट्रायंगल में कुछ स्पेसिफिक केस हैं, ट्रायंगल विथ थ्री मिरर्स, डेफिनेटली इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, थ्री मिरर्स ही रहेंगे या रिफ्लेक्टर्स ही रहेंगे ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल की जो तीन मिरर्स जो हम यूज करेंगे उसकी कुछ स्पेसिफिक एंगल है, वो एंगल जैसे कि मैंने पहले ही लिखा है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। एक इस टाइप वाले कॉम्बिनेशन में भी पॉलीसेंट्रल क्लाइडोस्कोप हो सकता है। इस पॉलीसेंट्रल का मीनिंग हम देखेंगे, इसका क्या मीनिंग है, बस इतने समझिए कि एक क्लाइडोस्कोप मैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री से भी तीन मिरर का कॉम्बिनेशन करके बना सकता हूं। चौथा टाइप अगेन ट्रायंगल विथ थ्री मिरर्स, और इसमें जो रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। ये भी पॉसिबल है, इससे भी पॉली सेंट्रल क्लाइडोस्कोप बन सकता है। पांचवा ट्रायंगल विथ थ्री मिरर्स, ट्रायंगल विथ थ्री मिरर्स, और ये वह जो पांचवा जो कॉम्बिनेशन है हम इस तरीके से ले सकते हैं 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री। तो ऐसे पांच कॉम्बिनेशन ही पॉलीसेंट्रल क्लाइडोस्कोप हो सकते हैं। ऐसा आप मत मानिए कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है मैं कुछ भी रैंडम एक को दे दूंगा, सपोज 70 डिग्री एक को दे दूंगा, 50 डिग्री और एक को दे दूंगा 60 डिग्री, तो क्या मैं इससे भी तो पॉलीसेंट्रल क्लाइडोस्कोप बना सकता हूँ। मेरे मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनके एंगल्स में कुछ भी रख लूँ अल्फा बीटा गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 180 डिग्री हो, ऐसे वाले मैं क्लाइडोस्कोप का निर्माण कर सकता हूं? तो सिंपल सा आंसर रहेगा नो, नहीं कर सकता। नो डाउट आप इस टाइप से कॉम्बिनेशन बना तो सकते हैं, लेकिन उस कॉम्बिनेशन से एक ब्यूटीफुल
फॉर्मेशंस नहीं मिलेंगे ऑब्जेक्ट के, मतलब जो इमेजेस बनेंगे वो ब्यूटीफुली अरेंज्ड नहीं होंगे। मैं बार बार एक वर्ड में स्ट्रेस कर रहा हूँ, ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस, बार बार ये कर रहा हूँ ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस, बार बार ये भी वर्ड यूज कर रहा हूँ पॉलीसेंट्रल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी हम क्लाइडोस्कोप की बात करते हैं तो पॉलीसेंट्रल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे उसका नाम ही है क्लाइडोस्कोप, जिसका ग्रीक मीनिंग है कि ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस का ऑब्जर्वेशन करना। तो ये जो ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस हो क्यों रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक डेफिनेट रूल से बंधे हुए हैं, जो एंगल बिटवीन मिरर्स हैं एक डेफिनेट रूल से बंधे हुए हैं, आप उसको रेंडमली कुछ भी नहीं ले सकते, ये जो एंगल्स हैं रेंडमली कुछ भी नहीं लिया जा सकता। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मैं इसको 60 की जगह पे 50 ले लूँगा तब भी क्या मेरे कोई दिक्कत है क्या, तो दिक्कत है, बिकॉज उससे जो फॉर्मेशंस होंगी वो ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस नहीं होंगे। तो मैं ये कौन सी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ये कौन सी फिलोसफी की बात कर रहा हूँ कि ये ब्यूटीफुल फॉर्मेशन नहीं दे सकता 40 डिग्री लाइक कॉम्बिनेशंस या 60 डिग्री ही देगा, मैं ऐसे कौन सी फिलोसफी की बात करता हूँ। चलिए उस फिलोसफी को ध्यान देते हैं कि क्यों मैं 40 डिग्री नहीं ले सकता, मुझे क्यों 60 डिग्री लेना पड़ेगा, या मुझे क्यों 30 डिग्री लेना पड़ेगा, या मुझे क्यों 45 डिग्री लेना पड़ेगा। इनका तो कुछ डेफिनेट मीनिंग होगा ना, तभी मैंने 90 45 45 लिया, 60 60 60 लिया, या 90 30 60 लिया, या मैंने 4 मिरर्स लिए, इनके कुछ डेफिनेट मीनिंग है तभी मैंने ये लिया है। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी कुछ भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंड उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्लाइडोस्कोप को स्टडी करना, नहीं, उनके एक डेफिनेट मीनिंग है, इन कॉम्बिनेशंस की अपनी एक डेफिनेट मीनिंग है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि आपके मन में अभी आ गया होगा क्यों ये 5 टाइप, इस 5 टाइप के अलावा कोई दूसरा टाइप में क्यों नहीं ले सकता, क्यों वो दूसरा टाइप ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस नहीं दे सकते। तो चलिए जो फिजिक्स हमने पढ़ा है उसको मैं फिर से लिखता हूं। आपको ये याद होगा कि मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ फॉर्मूले दिए थे, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, 360 बाई थीटा, यदि एक इवन इंटीजर, लेट से इस इंटीजर को मैं एन कह रहा हूं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर कुछ इस तरीके से, ये व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ये टू मिरर्स को इस तरीके से कंबाइन किए गए हैं कि अगर मैं उसको 360 डिवाइड बाई थीटा करता हूं और मुझे अगर इवन इंटीजर मिल जाए, तो मैंने यहां पे बताया था आपको नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन जो होगा That is equal to n minus 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक इवन इंटीजर यहां पे मिलेगा, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो रहेंगे वो n minus 1 रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म्ड हुए हैं अगर उनको जोड़ दिया जाए तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा। इसका मतलब समझिए, थोड़ा सा और मीनिंग पे जाते हैं हम, मैं क्या करना चाहता हूं, नंबर ऑफ इमेजेस प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एन। इसका मतलब यह है कि एक सर्कल को अगर मैं एन इवन पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, सपोज ये सर्कल है, इस सर्कल को मैंने सपोज 4 भागों में डिवाइड किया, एग्जांपल अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लूं, यदि मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लूं तो मेरे पास जो n निकल के आएगा n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब यह है कि मैं हर पार्ट को 90 डिग्री पे डिवाइड कर सकता हूं, लाइक दिस, ऐसे 4 पार्ट हो सकते हैं। इस 4 पार्ट में एक पार्ट पे तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट रहेगा, ये सपोज क्या है ऑब्जेक्ट, और बाकी जो 3 सेक्टर बचे उस 3 सेक्टर पे क्या रहेगा, उस 3 सेगमेंट्स पे, आप ये अगर इसको ध्यान से देखें या सेक्टर बोले, इन 3 सेक्टर्स पे क्या रहेंगे, बेसिकली इमेज रहेंगे। और ये इमेज भी कैसे रहेंगे, उसकी भी प्रॉपर्टी हमने देखा था कि यहां से अगर मैं इसको एक सर्कल बना के एक इस तरीके से करूं तो यहां पे और यहां पे रिप्रेजेंट होंगे, और ये जो इमेज एंड ऑब्जेक्ट है, जितने भी इमेज फॉर्म्ड हुए हैं 2 मिरर से, मिरर कहां पे है, ये मिरर है और ये मिरर है, ये केवल 2 मिरर हैं, और इन 2 मिरर से जो इमेजेस फॉर्म्ड हुए हैं, ये और ये
और ऑब्जेक्ट ये एक सर्कल पे लाई करते हैं, ये एक सर्कल पे लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर, ये सिमेट्रिकली, ध्यान रखिए जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म्ड इमेजेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सभी सेक्टर्स पे। कितना मीनिंगफुल है ये फॉर्मूला और इससे बनने वाले इमेज की प्रॉपर्टी। और यही प्रॉपर्टी को यूज करता है कौन, क्लाइडोस्कोप। ये मान लीजिए दो मिरर के कारण एक सेंटर बना, अगर मेरे पास चार मिरर हैं, चार मिरर एक स्क्वायर के फॉर्म में, मान लीजिए ये चारों के चारों मिरर हैं और इन बिटवीन कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो मेरे ऐसे चार सेंटर बनेंगे, एक सेंटर इसको मान के, एक सेंटर इसको मान के, एक सेंटर इसको मान के और एक सेंटर इसको मान के। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे जो इमेज बनेगा इन दो को लेकर, इन दो मिरर को लेकर जो इमेज बनेगा, तो इनके जो इमेजेस हैं वो इस तरीके से बनेंगे कि पहला इमेज यहां पे, दूसरा इमेज यहां पे एंड तीसरा इमेज यहां पे। इसके कारण, अब इसको मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूं, इस दो मिरर के कारण जो इमेज बनेगा, इसका पहला इमेज बनेगा यहां पे, दूसरा इमेज बना यहां पे, तीसरा इमेज बना यहां पे। उसी तरीके से ये दो मिरर्स जो हैं, आप मान लीजिए कि ये एक मिरर हो गया और ये एक मिरर हो गया, इसी कारण से ये सेंटर पे रहेगा, इसका जो पहला इमेज बनेगा इधर बना, इसका जो दूसरा इमेज बना वो कहां पे बनेगा, यहां पे, उसी प्रकार से तीसरा इमेज यहां पे, लाइक दिस। उसी प्रकार से अगर मैं इसको सेंटर मानूं तो इसका पहला इमेज यहां पे, इसका दूसरा इमेज यहां पे, इसका तीसरा इमेज यहां पे। तो आप देख रहे होंगे कि एक इमेज के, आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि एक इमेज के यहां पे चार प्राइमरी पॉली सेंटर हैं। ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर फॉर इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट, ये भी सेंटर है, सेंटर फॉर इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास स्क्वायर टाइप का क्लाइडोस्कोप है तो चार प्राइमरी सेंटर्स बनेंगे। अब इसके बाद मुझे एक प्रॉपर्टी और भी पता है कि ये जो मिरर्स हैं हम उसको इस तरीके से मान सकते हैं कि ये इनफाइनाइट इधर की ओर है, लाइक इसको भी मैं इनफाइनाइट एक्सटेंशन मान सकता हूं, इसको भी इनफाइनाइट एक्सटेंशन मान सकता हूं, इसका भी इनफाइनाइट एक्सटेंशन मान सकता हूं। तो मुझे ये पता है कि इस मिरर के सामने जितनी भी ऑब्जेक्ट रखी गई हैं उसका ये इमेज बनाएगा पीछे की ओर। तो इस मिरर के सामने ये भी ऑब्जेक्ट है, 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 तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए पीछे की और क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सिमिलरली इस मिरर के रिस्पेक्ट में जितने भी इसके सामने रखी गई ऑब्जेक्ट उस सभी के सभी इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगी और उसके लिए इमेजेस बनाएगा, सिमिलरली फॉर दिस, सिमिलरली फॉर दिस। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे सेंटर्स बनेंगे, बहुत सारे, ये तो प्राइमरी फोर सेंटर्स थे इसके लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए प्राइमरी फोर सेंटर्स हैं। अगर मैं इसको नाम दूं तो मैं प्राइमरी सेंटर का नाम दे रहा हूं, प्राइमरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्राइमरली इतना सेंटर्स बना के अपना प्राइमरी इमेज बनाते हैं, उस प्राइमरी इमेज का फिर अगेन इमेज बनेगा, फिर उस इमेज के फिर अगेन इमेज बनेंगे। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सेंटर्स बनते हैं, इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है पॉली सेंटर क्लाइडोस्कोप। इसका जो नाम दिया गया है वो इसी कारण से दिया गया है कि इसको पॉली सेंटर क्लाइडोस्कोप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्यूटीफुल अरेंज्ड है, ये जो आप देख रहे होंगे ये ब्यूटीफुल अरेंज्ड क्यों है, क्योंकि ये एन इवन नंबर है, ये जो एन आप देख रहे हैं ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर अगर मैं देखूं तो जो ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म्ड इमेजेस वो सिस्टेमेटिक ढंग से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। और सेंटर कौन सा, सेंटर मींस इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स, सेंटर्स
मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स। तो वो उसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे होंगे कि जितने भी इमेज फॉर्म्ड हो रहे हैं ऑब्जेक्ट के, वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये तभी पॉसिबल है जब एन इवन हो, ये तभी पॉसिबल है जब एन इवन हो। इसलिए आप यहां पे जितने भी डिग्रियां दिख रहे हैं, चाहे मैं 90 डिग्री की बात करूं, यस 90 डिग्री भी 360 में हम डिवाइड करते हैं तो 4 रिजल्ट देता है, मतलब इवन है। अगर मैं 30 डिग्री की बात करता हूं तो डेफिनेटली 30 डिग्री भी जब 360 में डिवाइड करता हूं तो 12 रिजल्ट देता है, इसका मतलब वो भी इवन है। अगर मैं 60 डिग्री की डिवाइड करता हूं 360 तो 6 देता है, वो भी इवन है, 6 भी इवन है। उसी तरीके से अगर मैं 45 डिग्री को डिवाइड करता हूं 360 से तो मुझे 8 मिलते हैं, तो वो भी इवन है। तो आप देख रहे होंगे कि जो मैंने जो फंडा आपको समझाया था कि व्हाई दिस, दिस इज व्हाई, बिकॉज अगर एन इवन नहीं है तो ये ऑड सेगमेंट्स बनेंगे। यहां पे अगर मैं इसको ऑड ले लूं तो ये जो सेगमेंट्स भी बनेंगे वो भी ऑड बनेंगे। अगर सेगमेंट्स ऑड बने तो जो सिमेट्री रह गई है वो अब सिमेट्री नहीं दिखाई देगी हमें। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि 360 बाई थीटा को अगर हम डिवाइड करें और यहां पे हमें ऑड इंटीजर मिल जाए, अगर ये ऑड इंटीजर मिल जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्मेशन होता है उसके दो केस हो सकते हैं, या तो वो n माइनस वन रहेगा या फिर n रहेगा। दो केसेस हो सकते हैं। n माइनस वन कब रहता है? जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है तब n माइनस वन होता है, जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे लाई नहीं करता है तब n होता है। और इसके कारण जो इमेजेस फॉर्म्ड होंगे डेफिनेटली वो सिमेट्रिक नहीं रहेंगे, क्योंकि हम यहां पे छोटे छोटे बैंगल्स को ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं पर्टिकुलरली इसको एक एंगल बाइसेक्टर पे रखूंगा या आउटसाइड रखूंगा, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। प्लस उससे जो इमेज का निर्माण भी जो होगा वो हमें सिमेट्रिकल दिखाई नहीं देंगे। अगर n इज इक्वल टू ऑड इंटीजर हो गया, अगर n इज इक्वल टू ऑड इंटीजर हो गया तो उससे जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स तो हमारे n ही रहेंगे। आपको ये तो क्लियर है कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो यहाँ पे अभी इवन थे अब वो ऑड हो जाएंगे। पहला चीज तो यहीं पे हो गया कि जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो अभी कितने हो गए? n हो गए। अगर वो n हो गए, n मतलब ऑड n हो गए, ऑड इंटीजर वाले n हो गए, इसका मतलब पहली एसिमेट्री तो यहीं पे आ गई कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स ही आपके ऑड हैं। दूसरा, उससे जो इमेज के फॉर्मेशन होंगे वो इमेज के फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट मिला के या तो एन होंगे, एन कब होंगे? जब वो एंगल बाइसेक्टर पे रहेगा, तो एक ऑड पूरा का पूरा सभी सेगमेंट्स में वो चीज आ जाएगा लेकिन ऑड दिखेगा। दूसरा, अगर एन है तो नंबर ऑफ जो इमेज एंड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो इवन हो जाएगा। अब ऑड में आपको इवन को फिट करना है तो वो भी बहुत अच्छा हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, सेंटर मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर्स, अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर हम वो इमेज एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन की चर्चा करें तो वो हमें एसिमेट्रिक दिखाई देंगी, सिमेट्रिक दिखाई नहीं देंगी, जो कि इवन इंटीजर के केस में है कि वो हमें सिमेट्रिक दिखाई देती है, ऑड इंटीजर के केस में डेफिनेटली वो एसिमेट्रिक दिखाई देंगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि मैं क्यों ये 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लूंगा। मैं कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता, मैं ऐसा नहीं ले सकता कि मैं 40 डिग्री लूंगा, मैं ऐसा नहीं ले सकता कि मैं 50 डिग्री लूंगा, मैं अपने मन से इन डिग्रियों को सेट नहीं कर सकता। ब्रिस्टर ने यही उनके जो थीसिस है ट्रीटीज ऑन द क्लाइडोस्कोप वहां पर क्लियरली उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि इस तरीके से पांच ही टाइप पॉलीसेंटर के पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बुक में ये मेंशन किया हुआ है ये पांच टाइप। हम इन पांच टाइप के बारे में ही स्टडी करेंगे, लेकिन इनमें से लगभग अगर हम एक टाइप ट्रायंगल से ले लें और एक टाइप अगर हम रेक्टेंगल या स्क्वायर में से ले लें तो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोनों में से एक एक टाइप हम देखेंगे और उससे ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इमेज का निर्माण होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर का एक देखेंगे कि उससे कैसे इमेज का निर्माण होता है, एंड उसके बाद हम ट्रायंगल 60 डिग्री वाला उठा लेंगे क्योंकि इसको आपने 8th क्लास में देखा है और बहुत सारे इन जनरल अगर आप अमेजन पे सर्च करें, आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करें तो कहीं पे भी ये क्लाइडोस्कोप अगर आप फॉर्मेशन आप अपने घर पे नहीं बनाना चाहते तो वहाँ से आप परचेज भी करके इसके बनाए हुए ब्यूटीफुल इमेज का मजा ले सकते हैं।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोर मिरर, जो स्क्वायर क्लाइडोस्कोप है उससे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, हमने क्लाइडोस्कोप की बेसिक प्रिंसिपल समझ लिया है कि बेसिक प्रिंसिपल केवल इतना ही है, पहला कि एंगल बिटवीन मिरर्स इस तरीके से हो कि 360 डिवाइड बाय दैट एंगल अगर हम करें तो हमें इवन इंटीजर मिलना चाहिए। और इवन इंटीजर ही क्यों, इवन इंटीजर इसलिए क्योंकि उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा डेफिनेटली वो सभी के सभी इमेज एक सर्कल पे लाई करेंगे, और सर्कल पे तो और इंटीजर से भी लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक स्पेशल बात यह है कि अगर वो इवन है तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट सेंटर वो सिमेट्रिकल रहेंगे, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर जिसको हम सेंटर कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में इमेजेस जितने फॉर्म्ड होंगे एंड ऑब्जेक्ट वो सिमेट्रिकल अरेंज्ड रहेंगे। और क्लाइडोस्कोप का ही नाम है कि ये ब्यूटीफुल फॉर्मेशन का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो इमेजेस बनते हैं वो ब्यूटीफुल्ली हमें दिखाई देते हैं, हमें ब्यूटीफुल इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो सिमेट्रिकल रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। और हमें अरेंज किस तरीके से करना है तो उसके हमने दो टाइप देखा, या तो आप स्क्वायर अरेंज करिए या फिर आप ट्रायंगुलर अरेंज करिए। आप इसको पॉलीगॉन में अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो पॉलीगॉन का जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और वहां पे हमें डिफिकल्टीज होंगी क्योंकि वहां पे बाकी जो एंगल्स आएंगे वो एंगल्स से जो इमेज के फॉर्मेशंस होंगे वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं होंगे। तो इस चीजों को हमें ये ध्यान में रखना होगा कि इसके केवल दो ही टाइप होगा, या तो ये चार भुजाओं वाला होगा, या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा या ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल में भी स्पेसिफिक टाइप के तीन ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में ये मान लीजिए एक मिरर है, ये दूसरा मिरर, ये तीसरा मिरर और ये चौथा मिरर, ये सभी के सभी मिरर इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं और साथ ही साथ स्क्वायर शेप का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें ये पता है, मान लीजिए मैं इसका नाम देना चाह रहा हूँ मिरर का नाम, ये ए बी एक मिरर हुआ, बी सी दूसरा मिरर हुआ, सी डी तीसरा मिरर हुआ एंड डी ए चौथा मिरर हुआ। इसका जो सभी का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर है, मिरर कुछ इस तरीके से है, आप इसको ऐसा समझने की कोशिश करिए। और अगर मैं इसको सेंटर मानता हूँ, अगर मैं बी पॉइंट को सेंटर मानता हूँ, तो चूंकि ये 90 डिग्री का है, चूंकि ये 90 डिग्री का है तो हमें ये पता है कि अगर 360 डिवाइड बाय 90 करें तो हमारे पास एन जो निकल के आता है वो निकल के आता है चार, मतलब इसके चार सेगमेंट्स बनेंगे। चार सेगमेंट्स कैसे बनाने हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हम आपको देते हैं। आप इन दोनों को पकड़िए, ए बी एंड बी सी, क्योंकि इसको मैं सेंटर मान रहा हूँ। इसके अबाउट बी सी का मिरर इमेज लीजिए, तो मिरर इमेज जब इसके अबाउट लेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आएगा सी डैश, यहाँ पे आएगा सी डैश, आप उसके बाद इसको इस तरीके से फिर एक रेक्टेंगुलर शेप का बना दीजिए क्योंकि इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो ये हो गया एक सेगमेंट। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ए बी सी, तो आप इसको कोई दूसरा नाम दे दीजिए, सपोज इसको आपने नाम दे दिया डी डैश। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अबाउट इसका मिरर इमेज लीजिए, तो इसका जब मिरर इमेज लेंगे तो ये आ जाएगा लाइक दिस, और ये बी का तो बी ही है, इसको ए डबल ए डैश नाम दे दीजिए, और यहाँ पे अगेन सपोज इसको मैंने डी डबल डैश नाम दे दिया। इसके अबाउट आप इसका मिरर इमेज लीजिए, तो अगेन यही मिलेगा, तो इसको आगे हम ऐसा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों मिरर को यूज़ करके मैंने ऐसे चार सेगमेंट्स बनाए। चार सेगमेंट्स कैसे बनाए, फिर से ध्यान दीजिए, आपको इस मिरर को ए बी मिरर एंड बी सी मिरर को ध्यान रखना है, आपको अल्टरनेटिव एक दूसरे के मिरर इमेज लेना है। आप ए बी के रिस्पेक्ट में अगर बी सी का मिरर इमेज लेते हैं तो इस तरीके से बी सी डैश मिलता है, एक बाकी जो बचा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, डी का डी डैश हो गया। उसी तरीके से अगर आप ये वाला सेगमेंट्स मिलने के वाला इस सेगमेंट्स का निर्माण करना चाहते हैं तो इसके अबाउट बी सी डैश के अबाउट ए बी का मिरर इमेज ले लीजिए, तो ये मिल गया ए बी डैश, और अगेन डी डैश एज यूजुअल जो बचा वो लिख दीजिए। अब इसके अबाउट आपको बी सी का मिरर इमेज लेना, मैं दो ही
आर्म्स को मैं दो ही भुजाओं को यूज कर रहा हूँ, बी सी एंड ए सी, और एक दूसरे के अल्टरनेटिव मिरर इमेज का निर्माण कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे को सेगमेंट्स मिले। ये सेगमेंट्स मैं क्यों बना रहा हूँ, थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। मैं ऐसा क्यों अंडरस्टैंडिंग लिया और इस तरीके से ही फॉर्मेशन मैंने क्यों लिए, क्योंकि इस तरीके से करने से मुझे चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। और चीज़ें ये है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेडियस एक सर्कल का अगर मैं निर्माण कर दूं ऐसा, तो इससे इमेजेस बनेंगे। इसका पहला इमेज बनेगा यहां पे, इसका इमेज बनेगा यहां पे, और इसका इमेज बनेगा यहां पे। आप देख रहे होंगे ये सभी के सभी सिस्टमैटिक ढंग से बी को सेंटर माने एक सिमेट्रिकल वे में अरेंज्ड है। ये इमेज जो फॉर्मेशन हुआ है एक सिमेट्रिकल वे में अरेंज्ड है। और मुझे एक चीज और भी क्लियर है कि इस पूरे के पूरे सेगमेंट्स में एक एक इमेज जरूर होगा। और जरूर क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही वैसा है, जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स उतने नंबर ऑफ इमेज प्लस ऑब्जेक्ट, सब मिला के अगर आप बात करें तो हाँ उतना ही नंबर है, जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं उतना ही नंबर है। आपने यहाँ पे देखा भी था वही एन रिजल्ट्स हमारे पास मिल के आते हैं अगर एन इवन है तो। उसी तरीके से अगर आप इसको सेंटर मानते हैं, थोड़े देर के लिए इसको सेंटर मानिए, सी को सेंटर मानिए। अगर मैं सी को सेंटर मानता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक सी डी एक आर्म हो गया एंड बी सी एक आर्म हो गया। अगर आप इस पर्टिकुलर भुजा को ही बात करें, इस पर्टिकुलर भुजा को एक दूसरे के अबाउट मिरर इमेज लीजिए, तो मान लीजिए सी डी के अबाउट बी सी का मिरर इमेज लेते हैं तो ये इस तरीके से आएगा। यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं बी डैश, और जो बचा वो ए है, इसको ए डैश नाम दे दीजिए। अब मेरे पास ये एक आर्म आ गया सी बी डैश, उसमें मैं क्या करूंगा सी डी का मिरर इमेज लूंगा, तो सी डी का मिरर इमेज यहां पर आ जाएगा जिसको मैं नाम दे रहा हूं डी डैश। तो बस बचा क्या इसको कंप्लीट करने के लिए यहां पे बच गया है ए डबल डैश। अगर फिर से ध्यान दीजिए जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, अगर मैं इसको सेंटर मान के इसका मिरर इमेज देखूं और यहां से अगर मैं एक सर्कल लाई करूं तो ये कुछ इस तरीके से एक सर्कल का निर्माण करेगी। और इसका पहला इमेज ये, इसका दूसरा इमेज ये, और इस इमेज का इमेज यहां पर। तो आप देख रहे होंगे कि ये सेगमेंट्स भी पूरे तरीके से भर गया, ये सेगमेंट्स भी पूरे तरीके से भर गया। उसी तरीके से मैं इसका एक्सटेंशन इसको सेंटर मान के, डी को सेंटर मान के करूं ए डी एंड सी डी भुजा के लिए, तो आप सिंपल है इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं तो ये ऊपर की ओर जाएगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूं सी डैश, जो बचा वो है बी डैश लाइक दिस। और फिर अब मेरे पास बचा है, इसको मुझे सेंटर मानना है तो एक ये भी कंप्लीट है, कंप्लीट मुझे इधर लेना पड़ेगा। अगर मैं ए डी का इसके रिस्पेक्ट पे मिरर इमेज लूं तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में जब मिरर इमेज लूंगा तो इधर बनेगा ए डैश, तो डेफिनेटली ये कंप्लीट हो गया लाइक दिस। अगर इसी ऑब्जेक्ट का डी को सेंटर मानते हुए मैं फॉर्मेशन करूं तो इसका कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा लाइक दिस। तो यहाँ पे इसके इमेज और यहाँ पे भी इसके इमेज सिमेट्रिकल वे में बनेंगे डी को सेंटर मानते हुए। उसी तरीके से मैं इसको भी एक्सटेंशन कर सकता हूँ, और कौन सा रह गया ये वाला। उसी तरीके से मैं ए को भी सेंटर मानते हुए ए डी एंड ए बी के लिए वर्क कर सकता हूँ। तो मान लीजिए इसको मैंने सेंटर माना है और सबसे पहले मैं काम करता हूँ ए बी के रिस्पेक्ट में ए डी का मिरर इमेज लेता हूँ, तो इधर की ओर डी डैश है वो ऑलरेडी है, तो ये डी डैश हो गया और ये ऑब्जेक्ट ये भी हो गया। तो अब ये काम कर सकते हैं ए बी के रिस्पेक्ट में, ये ए बी के रिस्पेक्ट में हम ए डी का मिरर इमेज लेते हैं तो इधर की ओर आएगा ऐसा। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसमें जो बचा वो है सी डैश। और यहाँ पर अगर इसको ऑब्जेक्ट मानूं और इसको सेंटर मानूं इस तरीके से, और यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल का निर्माण करूं तो वो इस तरीके से लाई करेगा और लाइक दिस ऐसा। तो ये तो हो गए प्राइमरी सेंटर्स के प्राइमरी सेगमेंट्स। उसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते जाइए, ये जो चीजें हैं उसको आप ऐसा आगे बढ़ाते जाइए।
आगे ऐसा बढ़ाते जाइए, उसी तरीके से आप इसको भी आगे ये सेगमेंट्स को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं लाइक दिस। ये जितना चाहें उतना आप बढ़ा सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में, ये सभी ऐसे बढ़ते जाएंगे लाइक दिस, और उसके अकॉर्डिंगली इमेज का निर्माण होते जाएगा। आपको इसमें मुख्य बात क्या ध्यान रखना है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का प्राइमरी इमेज, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बनने वाला इमेज ये है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बनने वाला इमेज ये है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बनने वाला इमेज ये है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बनने वाला इमेज ये है। इस इमेज का इमेज ये है जो कि सेकंड रिफ्लेक्शन से बना है, तो उसको मैं टू नाम दे रहा हूँ। ये भी सेकंड रिफ्लेक्शन से बना है तो भी टू नाम दे रहा हूँ, क्योंकि इस इमेज का ये इमेज है इसलिए सेकंड रिफ्लेक्शन से है, ये सेकंड रिफ्लेक्शन से है, ये सेकंड रिफ्लेक्शन से है। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं अब, ये क्या है, ये इमेज अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो जो सेकंड रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज है उस ए बी भुजा के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ए बी भुजा के लिए, क्योंकि ए बी भुजा की तो एक्सटेंशन यहां से लेकर पूरा नीचे तक है, ये पूरा का पूरा एक मिरर की तरह काम करेगा, इसको हम एक हाइपोथेटिकल मिरर मान सकते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि मिरर का एक्सटेंशन किया जा सकता है, उसको हाइपोथेटिकल मिरर माना जा सकता है। तो मान लीजिए अगर ये हाइपोथेटिकल मिरर है, हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है, हाइपोथेटिकल मिरर है, और कौन सा मिरर है, ए बी, हाइपोथेटिकल मिरर ए बी अगर है, तो ये जो सेकंड रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज इस हाइपोथेटिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और उसका जो इमेज बनेगा वो यहां पे बनेगा, और इसको हम देंगे तीन नाम, क्योंकि ये थर्ड रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज है। सिमिलरली यहां पे बना हुआ इमेज जो कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बना है, इस मिरर के रिस्पेक्ट में यहां पे बनेगा, और ये सेकंड रिफ्लेक्शन वाला इमेज कहलाएगा। सिमिलरली ये सेकंड रिफ्लेक्शन वाला इमेज यहां पे बनेगा, और इसको हम थर्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये थर्ड रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज है। उसी तरीके से एंड सो ऑन, हम एक दूसरे को उस तरीके से इंटरप्रिटेशन देते जाएंगे, और हर सेगमेंट्स पे एक एक इमेज बनता जाएगा। ये बड़ी बात है, आपको दो चीजें समझ में आई, पहला कि पॉलीसेंट्रल है, आप कहीं पे भी सेंटर मान के इनको सिस्टमेटिक ढंग से या सिमेट्रिकल ढंग से अरेंज कर सकते, कहीं पे भी नहीं, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग, कहीं पे भी जब भी बोलूं तो एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग वो है। तो इस तरीके से इसके जो प्राइमरी सेंटर्स हैं उस पे बहुत सारे इमेज का निर्माण किया जा सकता है, उसको सेंटर्स मान के, यही प्राइमरी सेंटर से बहुत सारे इमेजेस बनेंगे, ये एक समझने वाली बात है। दूसरा, इसके हर सेगमेंट्स में, ये आप जो देख रहे हैं हर सेगमेंट्स में हर खाने पे एक एक इमेज आएगा। अब वो इमेज फर्स्ट रिफ्लेक्शन से भी हो सकता है, सेकंड रिफ्लेक्शन से भी हो सकता है, फोर्थ रिफ्लेक्शन से भी हो सकता है, फिफ्थ रिफ्लेक्शन से भी हो सकता है, इन्फाइनाइट रिफ्लेक्शन से भी हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिफ्लेक्शन से इमेज का निर्माण होगा, और ऐसे इन्फाइनाइट इमेज आपको दिखाई देते हैं क्लाइडोस्कोप में एक सिमेट्रिकल वे में, मतलब ये जो चारों के चारों आपने सेंटर्स देखे उस सेंटर से एक सिमेट्रिकल वे में अरेंज्ड दिखाई देते हैं। समटाइम हमें पॉलीसेंट्रल दिखाई देते हैं, यहां पे एकदम सिस्टमेटिक ढंग से ये सेंटर्स बन रहा है, ये सेंटर्स बन रहा है, ऐसे पूरा सिस्टमेटिक ढंग से हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग सेंटर्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम पॉलीसेंट्रल भी कहा करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस होता है, फॉर्मेशंस आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का एक बेसिक प्रिंसिपल केवल इतना ही है, एंगल बिटवीन मिरर्स इवन होना चाहिए, और इवन क्यों होना चाहिए, सो दैट सिमेट्रिकल इमेज का निर्माण हो सके। फ्रेंड्स, अभी हम 60 डिग्री वाला केस लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम ट्रायंगुलर वाले केस की चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, और इसकी जो एंगल्स यहाँ पे बने हैं वो 60 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल जो बना है 60 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री बना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम सेक्टर्स का निर्माण कैसे करें। तो सेक्टर्स कितने बनेंगे वो बहुत आसान है, 360 / 60 = 6। 6 क्या है, एन, एन इज इक्वल टू, यहाँ पे इवन इंटीजर है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये इवन इंटीजर है, तो इसके सेक्टर्स बनेंगे। तो सेक्टर्स मतलब 6 सेक्टर्स बनेंगे। ये 6 सेक्टर मैं बनाऊं कैसे, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मान लीजिए इसको ए बी सी, ए बी सी का मतलब है कि तीन इंटरसेक्शंस हैं, ए नाम से, बी नाम से, सी नाम से, मतलब तीन प्राइमरी सेंटर्स बनेंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स एक सेंटर मान के सिमेट्रिकल वे में
लाई करते हैं एक सर्कल में, तो वो इसको सेंटर्स मानेंगे ए बी एंड सी को, पहला चीज। दूसरा, इसमें क्या रहेंगे, छह सेक्टर्स बनेंगे, छह सेक्टर्स में से एक सेक्टर में ऑब्जेक्ट रहेगा, और जो एन माइनस वन इमेज बनेंगे, मतलब पांच इमेज पांच सेक्टर्स पे लाई करेंगे। तो वो सेक्टर्स या सेगमेंट्स हम बनाए कैसे, एक एक 360 डिग्री पे वो सेगमेंट्स बनाए कैसे, तो उसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, ये मान लीजिए आप बी को सेंटर मान रहे हैं, तो उसको बनाने वाले दो आर्म हैं ए बी एंड इस तरीके से बी सी। तो आपको बस इतना ही काम करना है कि ए बी के रिस्पेक्ट में बी सी का मिरर इमेज लेना है। तो बी सी का अगर आप मिरर इमेज लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए बी, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन देगा, लाइक दिस। ये बी को हमने सेंटर माना, ए बी के रिस्पेक्ट में बी सी का मिरर इमेज निकाला, तो ये हो गया सी डैश। और आपको कुछ नहीं करना है, बाकी इसको मिला देना है इस तरीके से, क्योंकि ये ट्रायंगुलर ही हमें बनाना है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, अब अल्टरनेट करना है, अब बी सी डैश के रिस्पेक्ट में ए बी का मिरर इमेज लेना है। अगर इसका मैं मिरर इमेज लूं, तो इसका मिरर इमेज जो रहेगा ए बी, यहां पे ए डैश आ जाएगा और लाइक दिस ऐसा बनेगा। उसी तरीके से नाउ अगेन बी को मैंने सेंटर माना, मुझे क्या करना पड़ेगा, बी सी का ए बी के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। आप ऐसा मान के चलिए इसका जो मिरर इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो यहां पे आ जाएगा सी डबल डैश। अगर मैं बी सी डबल डैश के रिस्पेक्ट में बी ए डैश का अगर मिरर इमेज लूं, तो ये मिरर इमेज ऐसा बनेगा, लाइक दिस, और इसका नाम मैं दूंगा ए डबल डैश। उसी तरीके से अभी मेरा अल्टरनेट है इसके रिस्पेक्ट में, ए डबल डैश बी के रिस्पेक्ट में मुझे बी सी डबल डैश का मिरर इमेज लेना है, तो वो ये बनेगा बी सी, तो लाइक दिस। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 60-60 डिग्री के, ये जितने भी यहाँ पे बनी है, ये भी 60 डिग्री का 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 है, और ये भी 60 डिग्री का है। ऐसे छह सेगमेंट्स बने हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाई करना है, और मेरा बेसिक प्रॉपर्टी मुझे ये पता है उसके अकॉर्डिंग कि अगर मैं इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के अगर एक सर्कल बनाऊं लाइक दिस, तो मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट इस सर्कल पे लाई करेंगे, और लाई करने के साथ साथ इस सेगमेंट्स पे भी लाई करेंगे। तो मुझे क्लियर है कि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई करेगा, एक 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 ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई करेगा। ये बहुत सिंपल है, मतलब अगर ये इवन केस है तो इस तरीके से बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके भी हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हमको क्या समझ में आया कि ऐसे सेगमेंट्स जब बनते हैं तो इसको सेंटर मान के पांच और इमेजेस बन रहे हैं, और वो पांचों के पांचों इमेज सिमेट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर पोजिशनड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। उसी तरीके से बाकी ये सभी और भी ऐसे सेगमेंट्स बना सकते हैं, तो मैं सेगमेंट्स फटाफट खींच देता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा इलाबरेट करने की मुझे ज़रूरत नहीं समझता मैं, लाइक दिस। ये एक सेगमेंट्स बन गया, इसके लिए भी मैं सेगमेंट्स खींच सकता हूँ, आप देख रहे होंगे कि सेगमेंट्स खींचना बहुत ही आसान है। तो अगर मैं इसको सेंटर मानूं तो इसके छह इमेजेस बनेंगे, एक इमेज ये बन गया, दूसरा इमेज ये ऑब्जेक्ट है, इसका पहला इमेज ये बन गया, दूसरा इमेज यहाँ पे बनेगा, तीसरा इमेज यहाँ पे बनेगा, चौथा इमेज यहाँ पे बनेगा, पांचवा इमेज यहाँ पे बनेगा। अगर मैं इसको सेंटर मानूं तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका पहला इमेज ये बना, दूसरा इमेज ये बना, तीसरा इमेज ये बनेगा, चौथा इमेज ये बनेगा, पांचवा इमेज ये, इस सभी के सभी एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ये सभी के सभी एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ये सभी। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि पॉली सेंटर्ड इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ही केस है जो हमने यहां पे लिखा था पॉलीसेंट्रल क्लाइडोस्कोप, इसका मीनिंग यही है कि पॉलीसेंटर जो इमेजेस बन रहे हैं पॉलीसेंटर, ये तो प्राइमरी हैं, इनके अलावा आप बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स और बनाते जाइए, एकदम सिमेट्रिकल सेक्टर्स, इसको आगे और एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसका आगे का एक्सटेंशन कैसे होगा, लाइक दिस, ऐसा। इसके आगे का एक्सटेंशन कैसा होगा, ऐसा, 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 लाइक दिस। तो ऐसे में बहुत सारे सेक्टर्स बना सकता हूं ऐसा, और वो सभी के सभी सेक्टर्स में, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी के सभी सेक्टर्स में एक एक इमेज लाई करेंगे।
सभी के सभी सेक्टर्स में एक एक इमेज लाई करेंगे। इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कैसे इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं। आप इसको भी एक सेंटर की तरह मान सकते हो, आप इसको भी एक सेंटर की तरह मान के यहां पे भी इमेज को ऐसा सिमेट्रिकल वे पे लाई कर सकते हो। यही तो मीनिंग है पॉली सेंटर का, कि ये तो प्राइमरी है, उसके अलावा सेकेंडरी भी बनेंगे, सेकेंडरी सेंटर्स भी बनेंगे, ऐसे इनफाइनाइट सेंटर्स बनेंगे। पॉली सेंटर कहीं भी नहीं है कि इनफाइनाइट सेंटर्स बनेंगे, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है कि सभी के सभी इमेज एंड ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल वे में रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक सेंटर। अब वो सेंटर क्या है वो डिपेंड करेगा किस तरीके से अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये भी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट एक है, इमेज बहुत सारे हैं, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मानता हूं, तो ये समझ में आ रहा है कि ये इसका पहला रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज है, ये पहला रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज है। उसी तरीके से पहला रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज ये है, पहला रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज ये है, और इसके लिए इस कॉम्बिनेशंस के लिए इस तरीके से ये पहले रिफ्लेक्शन से बने हुए ये पहले रिफ्लेक्शन से बना हुआ नहीं है, ये पहले रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज, ये भी पहले रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज, ये भी पहले रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज। रही बात इसका, तो आप इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये दूसरे रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज है, क्योंकि अगर आप इसको मिरर मानते हो तो इसका इमेज यहां पे बना है, तो ये दूसरे रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज। उसी तरीके से अगर आप इसको मिरर मानते हो तो इसका जो इमेज है वो यहां पे बना है, तो ये दूसरा रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज है, एंड सो ऑन। आप ऐसा देख सकते हैं कितने रिफ्लेक्शन से कौन सा इमेज कैसे बना है। इंपॉर्टेंट आपके लिए वो नहीं है कि कौन सा रिफ्लेक्शन से कौन सा इमेज बना है, चाहो तो आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा रिफ्लेक्शन से कौन सा इमेज बना है, पहला रिफ्लेक्शन से बना है, दूसरा रिफ्लेक्शन से बना है, तीसरा रिफ्लेक्शन से बना है, वो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो क्या, क्लाइडोस्कोप का जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है केवल और केवल इतना कि 360 डिवाइड बाय एंगल बिटवीन से अगर मैं मिरर करूं, अगर वो इवन आ जाए तो मेरे लिए वेल एंड गुड है, वो आना ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो आना ही चाहिए, तभी एक सिमेट्रिकल इमेज का फॉर्मेशन निर्माण हो सकता है। दूसरा, या तो मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा या फिर चतुर्भुज लेना पड़ेगा, चतुर्भुज में भी मेरे पास दो हैं, दो ही ऑप्शन है, या तो मैं स्क्वायर लूं या फिर मैं रेक्टेंगल लूं, और ट्रायंगल मेरे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं 60 डिग्री लूं, या फिर मैं 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री लूं, या फिर मैं 45 45 90 डिग्री लूं, मेरे पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं नजर आते। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्लाइडोस्कोप का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्लाइडोस्कोप किस तरीके से इमेज का निर्माण करती है, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है कि 360 डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू इवन इंटीजर और कुछ नहीं है। बाकी तो ये इमेज कैसे बनेंगे, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठोगे, प्रकार लेके बैठोगे, पेंसिल फंसा के जब ये सब चीजें खींचने लगोगे, तो हूबहू बाय डिफॉल्ट अपने आप से बनने लगेगा। आपको दो चीजें बस ध्यान रखना है कि ये जो मिरर है, ये मिरर फाइनाइट मिरर मत समझिएगा, ये जो मिरर की हमेशा प्रॉपर्टी रहती है कि मैं इसको इनफाइनाइट मान सकता हूँ, इसको मैं इनफाइनाइट लेंथ का मान सकता हूँ, ये फाइनाइट जरूर है लेकिन मैं इनफाइनाइट लेंथ का मान सकता हूँ। तो ये जितने भी रहेंगे ये हाइपोथेटिकल मिरर मान के मुझे इमेज का निर्माण करना है। क्या, कौन सा मिरर मान के? हाइपोथेटिकल मिरर, क्योंकि एक्चुअल मिरर से तो प्राइमरी इमेजेस ही बनेंगे, लेकिन उन इमेज का निर्माण करके ऐसे मैं हाइपोथेटिकल मिरर मान के ऐसा बहुत सारे इमेज का निर्माण कर सकता हूं, ऐसे मैं बहुत सारे इमेजेस का निर्माण कर सकता हूं। इसके ऊपर जितने भी इमेजेस हैं सब इसके लिए ऑब्जेक्ट हैं, इसके इधर जितने इमेजेस हैं सब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हैं, इस मिरर के लिए इधर जितने इमेजेस हैं सब इसके लिए ऑब्जेक्ट हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसको ऐसा समझ करके वो क्या बनाएगा, वो ये बनाएगा कि नंबर ऑफ इमेजेस कहां कहां पे बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, वो अपने हिसाब से फिर डिसाइड करके बनाने वाला है। तो ये इसमें बस मुख्यतः दो ही चीज है, एक 360 डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू इंटीजर, एंड दूसरा कि ये जो मिरर है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिरर का बिहेवियर फाइनाइट मिरर नहीं है, इनफाइनाइट मिरर जैसा होता है। बस शर्त इतना ही है कि किसी तरीके से मिनिमम 2 rays उस मिरर पे गिर जाने चाहिए और इमेज तो वैसा ही बनेगा जैसे कि उस एक ऑब्जेक्ट के सामने मिरर रखा हो। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लाइडोस्कोप। इसका कंस्ट्रक्शन जितना सिंपल दिखता है उसकी फिजिक्स भी उतनी सिंपल है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की होनी चाहिए, तभी आप इसके पीछे के फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से ले सकेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम
कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ लाइट्स में आगे बढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन में आगे बढ़ेंगे। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो डेविएशंस को लेकर है, रोटेशन ऑफ मिरर को लेकर है। तब तक आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें। थैंक यू।